कभी कभी क्या होता है ना, जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते तो हम थैली लेना भूल जाते या फिर थैली सामानों से फट जाती, फिर हमें थैली खरीदनी पड़ती। तो दोस्तों, इसीलिए आज मैं ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करूँगी जब आप बाहर जाते टाइम आपको यूज़फुल हो और उसमें हम कुछ भी चीज़ें रख सकते और उसमें हम जो भी कुछ रखेंगे वो सेफ रहेगी। यहाँ पे देखिए, ये है शॉपिंग बैग टू रोलर। तो इसमें कलर में अवेलेबल है, आपको जो कलर में चाहिए वो कलर में आपको मिलेगा। पीछे की साइड इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसमें हम चीज़ें डाल के कहीं भी ले जा सकते, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये है हमारी कैरी बैग, इसे हम शॉपिंग बैग रोलअप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इसे हैंग करके ले जा सकते हैं। हुक का उपयोग करके इसे आप चाबी के छल्ले वाले बैग जिसमें फिट करने के लिए मोड़ा जा सकता है, यह हमेशा उपयोग के लिए तैयार रहता है और अच्छी तरीके से ये संरक्षित होता है। तो ये शॉपिंग बैग रोलअप, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है और ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल है। मुझे ये पिंक कलर में मिला है, आपको डिफरेंट कलर में मिलेगा। तो अब हम आगे की स्टेप देखते हैं, इसे कैसे निकालें। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपको नॉर्मली इसे इस तरीके से करना है। एबीएस और नायलॉन सामग्री से बना हुआ, टिकाऊ और हल्का, डेली यूज, खरीदारी, किराने का सामान, यात्रा या दैनंदिन पहनने के लिए बिल्कुल सही प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये हमारी कैरी बैग है, ये एडजस्टेबल नहीं है, इसमें हम कुछ भी चीज़ें आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉकेट है, इसमें हमें ये रोलअप रखना है। अब हम इस बैग का डायमेंशन मेजर करते, अब हम इसमें कुछ चीजें रख के दिखाते। आप इसमें बुक्स या फिर कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते। यहाँ पे देखिए, अमेजिंग। देन आपका यूज होने के बाद आप इसे रोल अप करें इस तरीके से। हम इसका वेट देखते, यह है वेट मशीन, हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ पे इसे रखेंगे और देखते इसका वेट कितना आता है। 78 ग्राम है। तो ये है हमारे 2 मिनट में फोल्ड अनफोल्ड होने वाली कैरी बैग। तो मिलते हैं ऐसे अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू।